वन पीस मांगा चैप्टर 1093 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और इस वाले चैप्टर का नाम देख के एकदम से मजे आ गए, क्योंकि इस वाले चैप्टर का नाम है लूफी वर्सेस किजारू। अभी फाइनली दो तीन चैप्टर बाद हमको प्रॉपर लूफी वर्सेस किजारू की बैटल देखने को मिलने वाली है, जहाँ पर लूफी अपने गियर 5 के अंदर आ चुका है। लास्ट चैप्टर की एंडिंग में हमने देखा था कि लूफी अपने गियर 5 के अंदर आ चुका है और उसने एकदम से किजारू को पीछे से ग्रैब कर लिया है। किजारू को अपने हाथों में ग्रैब करने के बाद में लूफी एकदम से उसको लैबोरेटरी के बाहर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो वेगाबंक के काफी ज्यादा दूर जाके गिर जाता है। लास्ट चैप्टर के अंदर हमने देखा था सेंटामारू को हराने के बाद में किजारू के पास में अभी सारे के सारे फैसाफिस्टास को ऑर्डर देने की पावर आ चुकी है, और इसी वजह से जो एगेट को प्रोटेक्ट करने वाले मेगा मॉन्स्टर्स थे उनके ऊपर फैसाफिस्टास ने सीधा का सीधा हमला कर दिया था। और एगेट को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी कोई बचा नहीं था, इसलिए सारे के सारे जितने मरीज थे वो एगेट के अंदर आ चुके हैं। इसलिए सारे के सारे फैसाफिस्टास को रोकने के लिए वहां पर एटलास, सांजी और वेगापंग एकदम से निकल जाते हैं। लास्ट चैप्टर के अंदर वेगापंग ने एगेट का बैरियर हटा दिया था, इसकी वजह से सारे के सारे मरीज अभी अंदर आ चुकी है और वहां पर बोनी और फ्रेंकी साथ में थे, इसलिए दोनों मिलके सीधा मरीज को रोकने का ट्राई कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर सारे के सारे वाइस एडमिरल और उनके साथ ही साथ वहाँ पर सैटर्न भी एगेट के ऊपर आ सकता है, तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही तबाही मच चुके हैं। लगता नहीं कि अभी स्ट्रॉइड यहाँ से बड़ी मुश्किल से बाहर निकल पाएंगे। और यहाँ पर फाइनली हमको इस वाले चैप्टर के अंदर जोरो वर्सेस रॉब लूसी की फाइट देखने को मिलने वाली है, जहाँ पर रॉब लूसी अपने अवेकम फॉर्म के अंदर आ चुका है और यहाँ पर अपने जोरो भाई साहब हमेशा की तरह अकेले ही है। अभी देखते हैं भाई रॉब लूसी के अवेकम फॉर्म के आगे अपने जोरो भाई साहब क्या क्या चीजें करते हैं। मुझे नहीं लगता कि जोरो के लिए इतना ज्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि रॉब लूसी तो हमेशा ही हारता है स्टोआइड से। अभी देखते हैं भाई जोरो भाई साहब उसकी कैसे बैंड बजाते हैं। जोरो और रॉब लूसी के फाइट की हमको मुश्किल से एक दो पैनल देखने को मिलने वाले हैं, उसके बाद में फिर से हमको लूफी वर्सेस किजारू की बैटल दिखाई जाएगी। जैसे ही लूफी किजारू को आसमान में फेंक देता है, वहां पर किजारू अपनी लाइटिंग से मल्टीपल कॉपी बना के लूफी के ऊपर अटैक कर देता है। ऐसा लगता है कि किजारू वहां पर शैडो क्लोन जुत्सु यूज कर रहा है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जैसे किजारू अपना वैक्यूम मिसाइल सांजी, वेगापंक और एटलास के ऊपर मारने का ट्राई करता है, वहां पर लूफी एकदम से उस वाले अटैक के सामने आके उनको प्रोटेक्ट कर लेता है। यहाँ पर किजारू चाहता है नहीं कि वेगापंक के पास फिर से सारे के सारे फैसाफिस्टास का एक्सेस आ जाए, इसीलिए वो वेगापंक के ऊपर अटैक करे जा रहा था। लेकिन वहां पर एटलास और वेगापंक के साथ में सांजी भी था, इसलिए वहां पे सांजी उनको प्रोटेक्ट करके फाइनली वहां पे सारे के सारे फैसाफिस्टास के ऑर्डर चेंज हो जाते हैं। और इस टाइम एगेट के ऊपर इतनी सारी चीजें हो रही थी कि भाई सैटर्न भी इन सारी चीजों को दूर से देख रहा था। ऐसा लग रहा है कि अभी सैटर्न सीधा एगेट के अंदर आने वाला है, पता नहीं अभी क्या हाल होगा यहाँ पे स्ट्रॉ हैट का। तो इस वाले चैप्टर के अंदर भी स्टोरी इतनी ज्यादा कुछ आगे बड़ी नहीं है, इसके अंदर शायद से हमको कुछ ज्यादा फाइटिंग के पैनल्स देखने को मिल जाए, जहाँ पर लूफी वर्सेस किजारू तो हो ही रहा है और लूसी भाई साहब और जोरो के फाइट के भी कुछ पैनल्स देखने को मिल जाए। अभी तो ये सीधा चैप्टर आने के बाद ही पता चलेगा।